मेरा जो ट्रेन है वो 9:30 है, देखो लेके जाना तो पड़ेगा ही। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो देखो अभी मस्त खा पी के रेडी हो गया हूँ और मेरे सारे दोस्त अपने अपने ऑफिस चले गए हैं क्योंकि सबको काम था अभी, और मैं अभी आज रूम पे हूँ। अभी मुझे पैकिंग करना है बिकॉज आई एम गोइंग समवेयर और मैं आपको डेफिनेटली बताने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट दिस। और देखते हैं यार, मतलब बहुत सारा सामान है, कैसे लेके जाता हूँ मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कैसे जाएगा। तीन चार बैग हो जाएगा यार, वो सारा लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यार लेके तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि कपड़े भी चाहिए, थोड़ा बुक्स भी चाहिए और ब्लैंकेट भी चाहिए, तो सारा मैं लेके जाऊंगा। अब देखते हैं यार कैसे लेके जाता हूँ। और बाकी मेरा जो ट्रेन है वो 9:30 है। तो यार ये देखो, ये टिकट मैंने कल लाइन में लग के बहुत मेहनत से ये तत्काल का टिकट लिया था, थैंक गॉड मुझे मिल गया था ये टिकट। और कल ही टिकट लिया था मैंने और 9:30 रात को मेरा ट्रेन है अभी। वैसे यार ये जो बेस था, ये जो भक्तों का स्लंग, इसे यार छोड़ने में थोड़ा सा अजीब तो लग रहा है, क्या बताऊँ, थोड़ा सा सच में अजीब लग रहा है कि यार मतलब 7 महीनों में इतना बढ़िया बॉन्डिंग हो गया था कि छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है यार। अटैचमेंट डिटैचमेंट का जो सीन होता है अब रियल में समझ आ रहा है कि यार क्या होता है। और नए शहर होगा फिर से, आपको मैं बताऊँगा अगले ब्लॉग में कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, तो नए शहर, नई अनुभव, नए दोस्त, देखते हैं यार क्या होता है, कैसा होता है, क्या सीन बनता है। चलते हैं फिर पैकिंग करते हैं। तो यार देखो सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो अभी यार इसको करेंगे थोड़ा सा, यार लाइट जला देता हूँ। तो यार देखो यहाँ पे ये है, ये सारा सामान लेके जाना है और मेरे पास आई थिंक बैग है, ये दो ये बैग है। तो यार देखो लेके जाना तो पड़ेगा ही, इसको पहले अरेंज करता हूँ, फोल्ड करता हूँ। Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama, Rama. तो गाइस फाइनली मैंने पैकिंग कर लिया है। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने दोनों बैग में पैकिंग कर दिया है, एक में कपड़े और एक में थोड़ा बुक्स और थोड़ा कपड़े। से मेन इम्पोर्टेंट भाई साहब ये स्टैंड ले जाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बाकी ऑलरेडी 3 बैग हो गया है, एक पीछे एक आगे और एक हाथ में। तो एक हाथ मेरा खाली है वैसे, इस हाथ में ये स्टैंड जा सकता है, लेकिन देखते यार प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि थियोरेटिकली तो हम बहुत कुछ सोच लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कोई नहीं, अभी चलते हैं यार, थोड़ा बहुत पहले खाता हूँ, अभी भूख लग गया यार। तो गाइस फाइनली चलते हैं, प्रसाद पाते हैं, देखते हैं यार क्या क्या है। रोटी है, सब्जी भी, मुझे लगता है रोटी को थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, तो रोटी गर्म करते हैं, थोड़ा सब्जी को भी गर्म कर दूंगा, फिर बात है। सो गाइज ये रास, अभी मस्त इसको पाएंगे। सो गाइज फाइनली खाना खाने का टाइम हो गया है, मस्त खाना खाते हैं अभी, फिर आगे काम करेंगे। वैसे गाइज खाना खाने के बाद ऐसा लगा कि ठंड लग रहा है, तो इसलिए मैंने ये लगा लिया। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा मैंने रेडी कर ही दिया है, तो थोड़ा बहुत काम करता हूँ मैं, तो शाम को बताता हूँ आपको बाकी का कि आज की जर्नी कैसा होने वाला है। जब तक के लिए आप बने रहना। वैसे गाइज 6 बजने वाला है और देखो यहाँ पे पूरा अंधेरे में हूँ मैं, ये लाइट भी नहीं आ रहा है। खाना वाना बनाना था ताकि जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी मैं रेडी भी हो जाऊंगा, लेकिन क्या करें लाइट तो है नहीं, तो अभी मैं लाइट का इंतज़ार करूंगा, अगर लाइट आ गया तो ठीक है, नहीं तो मोबाइल का टर्च जिंदाबाद, उसी से खाना बनेगा आज। तो फाइनली लाइट वगैरह अभी आ गया, हमने खाना भी बना लिया, अभी रोटी और सब्जी बनाए हैं। तो गाइस फाइनली इट्स टाइम टू डिनर, ये श्रीधर प्रभु जी भी खा रहे हैं। तो बेस का लास्ट डिनर आज मैं कर रहा हूँ अपना, 9:30 मेरा ट्रेन भी है, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा कहाँ जा रहा हूँ मैं।
हलवा बढ़िया है, हलवा इन्होंने बनाया था। गाइस फाइनली खाना कंप्लीट कर लिया मैंने, तो गाइस निकल रहा हूँ मैं यहाँ से बेस को बाय बाय टाटा बोल के, तो अभी निकल रहे हम। तो गाइस फाइनली निकलने का टाइम हो गया है, निकल चुके हैं गाइस यहाँ से। ये बेस आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बेस हम स्टेशन पहुँच गए हैं। स्कूटी बंद हो रहा है, भाई लो भाई दोस्त को चले गए, और अभी सारा सामान यहीं पे, मुझे अंदर जाना है। तो गाइस फाइनली आ चुका हूँ यहाँ पे, और मेरा सीट ऊपर दिख रहा है आपको बैग, तो मेरा सीट है अभी यहाँ पे बैठा हूँ, कोई नहीं है मतलब अभी पूरा खाली है अभी। और अजीब सा लग रहा है यार, पता नहीं क्यों, लेकिन ठीक है यार चलते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। सो गाइस फाइनली कमालगंज पहुंच गया हूं मैं, और अभी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में थोड़ा सा टाइम है, पहुंचने के बाद दोबारा आपको बताऊंगा कि क्या सीन है कैसा है। अभी तक मैंने बताया नहीं कि मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि यार रात भर ऐसा सीन था कि सोने का तो टाइम मिला नहीं थोड़ा सा भी, और जनरल वाले भी मैक्सिमम बंदे इसमें आ रखे थे, तो पूरा भीड़ लगा हुआ था इसमें, एज लाइक जनरली समझ के चलो ऐसा हो गया था सिस्टम, लेकिन ठीक था सबका अपना अपना मतलब सही हुआ। और अभी सोने का सोचा तो सो भी नहीं पाए, तो अभी तो 2.5 घंटे बाद पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन पे, तो आपको दूसरे ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगा कि मैं कहां पे हूं। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।